वो व्हाट अ मॉर्निंग व्यू मैन, यहाँ से जो सनराइज दिखता है मैन, इट्स डैम ब्यूटीफुल। एक तो निकलने को ऑलरेडी लेट हुआ है, थैंक गॉड ट्रैफिक नहीं है। आई स्पोक टू सून। सुबह 7:30 बजे कौन इतना ट्रैफिक करता है यार। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। सो आज मैं निकला हूँ सोलो राइड के लिए, जा रहा हूँ। ये वन डे ट्रिप होने वाला है। आई स्टे इन मुंबई, सो करंटली मैं निकला हूँ जाने के लिए सफाए। सफाए में मैंने कुछ लोकेशन चेक करके रखे हैं गूगल पे, जो मैंने टैग करके रखे हैं। कुछ शायद एक्सप्लोर करेंगे, कुछ शायद हम लोग जो देखे हुए वही देखेंगे। ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं, रैंडमली घूमना है। अभी सुबह 8:30 बजे, शाम तक वापस आना है। सो विरार और बोईसर के बीच में सफाया आता है। सफाई का एक छोटा सा घाट है। आज मैं अकेला हूँ, तो देखते हैं कितना शूट कर पाते हैं। लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज। अभी जो आपने देखा, सफाए जाने से पहले मैंने एक लेफ़्ट लिया, क्योंकि गूगल से मैं देख रहा था और मेरे को साइड से एक रिवर जाते हुए दिखी थी गूगल पे, तो मैंने सोचा चलो रिवर साइड से जाके देखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप एक्सप्लोरेशन मोड में जाते हो और गूगल को फॉलो करते आप किसी रोड पे पहुंच जाते हो। लेट मी जस्ट शो यू ऑन व्हाट रोड आई एम गोइंग राइट नाउ। इट डजेंट ऑलवेज वर्क आउट एक्सप्लोरेशन, हमेशा आपको कुछ अच्छी जगह मिलेगी ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप जो सोचते हो दिमाग में वो आपको दिखता नहीं है और कुछ अलग ही आपको मिल जाता है। सो अभी जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो रास्ता पूरा डंपिंग ग्राउंड का एरिया है। प्रॉबेबली इट्स अ रिवर, बट द कंडीशन इज़ नॉट एट ऑल गुड। चलो तो देखते हैं ये एग्जैक्टली रोड कहाँ पर निकलता है, कहाँ पर लेके जाता है। बट जो भी है शांति है, और जब आप बाहर निकलते हो वही सबसे अच्छा मेन थिंग रहता है जो आपको देखना रहता है, हाउ मच पीस यू कैन फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो मेन रोड से हाईवे से जाने से अच्छा, अहमदाबाद हाईवे से जाने से अच्छा ये रास्ता कुछ अलग ही है, तो ये भी एंजॉय कर लेते हैं। गूगल को फॉलो करते हुए अभी निकलते हैं। लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। इधर से अब रोड कुछ बंद है, अंकल ने घूम के जाने को बोला है। लेट्स सी। ओहो क्या बात, ये भी बंद है। तो लास्ट दोनों जगह पे रोड का काम चालू था, फाइनली अब लोकल्स ने जो रोड बताया उस पर लगा हूँ। आई होप ये रास्ता आगे जाके कहीं पे बंद ना हो। सरळ जायचंय की इकडनं फिरून जायचं? किधर किधर से बाइक अपने के जाने पड़ने वाला है क्या पता।
जाएगी क्या? वेल सो गाइज, आई टेक माई वर्ड्स बैक. जो भी मैंने अभी कहा था कि एक्सप्लोर आप रास्ता करते हो, तब ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमेशा रास्ता आपका अच्छा ही मिले आपको. जो मैंने वहाँ पे व्यू देखा था वो बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही ख़तरनाक था. मेरे को लगा कि मैं गलत रास्ते पे आया. आपने अभी तक बीच में देखा रहेगा, काफ़ी जगह पे रास्ता बहुत गंदा है. काम चालू था उसका, उसके वजह से काफ़ी सारे पत्थर थे. बट डूइंग अ लॉट ऑफ ऑफ रोड, फाइनली आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम ऑन माई मैप, जो मुझे गूगल मैप दिखा रहा था. और जो लोकेशन मेरे को दिख रहा है, गांव में से मैं जा रहा हूँ, एंड द लोकेशन आई एम राइट नाउ ट्रैवलिंग इज जस्ट वंडरफुल. इट्स टू गुड, मैं बता नहीं सकता. अभी यहाँ पे इतनी शांति है और इतना अच्छा लग रहा है. मैं 2 मिनट यहाँ पे रुकने वाला हूँ और फिर आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं. अभी सफाए में मैं केवा डैम पे जाने वाला था. वो यहाँ से करीब करीब कुछ 37 किलोमीटर्स पे है. मेरा गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो गया है. मेरे पास दूसरा बैटरी है, लेकिन वो मैं सेव करूँगा क्योंकि आज दिन में काफ़ी जगह पे घूमना है. और आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गेट अ चार्जिंग पॉइंट फॉर माई गोप्रो और नॉट. लंच के लिए एक जगह देख के रखी है, वहाँ पे जाएंगे तब शायद अपना मोबाइल और गोप्रो दोनों चार्ज करेंगे. हाईवे पे लगने के लिए भी मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि कुछ 10-12 किलोमीटर रहेंगे. तो पूरा रास्ता ऐसा गांव में से ही रहेगा. जितना हो सकता है उतना मैं शूट करके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज एज आई सेड दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी लाइक यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अलॉन्ग विथ मी. जब मैं ट्रैवल करूँगा तो आप मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हो. अगर आपके पास कोई भी ऑफ रोडर बाइक हो या बुलेट हो, कोई भी हो, तो आप मेरे ख्याल से ये रास्ता चुन सकते हो. सो लेट्स सी इफ यू आर गोइंग टू सफाए. आई विल गिव अ लोकेशन ऑफ माय मैप, प्रोबेबली यू कैन फॉलो दैट. Finally, after a lot of struggle, a lot of off-roading, काफ़ी सारे बेहतरीन व्यूज़ ये देखते हुए मैं फाइनली मेन रोड पे लगा हूँ. 1 किलोमीटर के बाद हाईवे का लेफ्ट आने वाला है, वहाँ से सफाए हम लोग पहुँचेंगे. केवा डैम पहले प्लान में था, लेकिन शायद उसके पहले एक सिंचन लेक करके है, हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी.
GPS showing next right for the Sinchan Lake. अरे किधर गया ये राइट की टर्न ले लो भाई. अरे अगेन आई मिस द लेफ्ट. ओह क्या रोड है आज, पूरा ऑफ रोड ही लिखा है नसीब में लगता है. और इतना करके ये रोड बंद है. वाओ at this moment that he knew he f***ed up. As I said, I was supposed to visit Sinchan Lake, which was on the way to Kelwa Dam. लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद मेरे को समझ में आ रहा है, January, February is not a right month to visit because that's the condition of lake. So पूरा का पूरा ये जो area है पूरा सूखा पड़ गया है. अभी यहाँ से मैं निकलूँगा, केलवा डैम जाऊँगा, वहाँ पे मैं सीधा हॉल्ट ले लूँगा. यहाँ पे एक्चुअली बैठ के कुछ ब्रेकफास्ट करने का प्लान था, बट केवा डैम जाके देखते हैं अभी वहाँ पे क्या कंडीशन है. वाह वाह, सो अपेरेंटली दिस इज द ओनली रोड फॉर केवा डैम. चलो अब ये भी ट्राई कर लेते हैं. वापस गलत जाने वाला था. और ये हम पहुंच गए केलवा डैम. सिंचन लेक का बहुत बड़ा फ्लॉप होने के बाद में मैं केलवा डैम पहुंच गया हूँ. सो आप मेरे पीछे केलवा डैम देख सकते हो. काफ़ी शांत जगह है. मोस्टली यहाँ पे क्राउड रहता है, लेकिन आज क्राउड दिखाई दे नहीं रहा है, जो एक अच्छी बात है. यू हैव सीन द रोड टिल नाउ, जो मैं ऑफ रोड किया था बिफोर सफाई फाटा. I started coming from a village and the road was really beautiful. Lekin I really thank God that my tire didn't got punctured. जो रोड की कंडीशन थी वो हिसाब से थोड़ा मेरे को टेंशन था, अगर कहीं पे गाड़ी को कुछ हो जाता है, अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो थोड़ा सा इशू हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे नज़दीक में कोई नहीं था जिनसे मदद मांग सकूं. बट थैंकफुली नथिंग हैज़ हैपेंड एंड आई रीच टू केलवा. बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत शांत है, यहाँ पे किसी का कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है.
तो इतना यहाँ पे आने के बाद सुकून मिलता है. यू कैन फाइंड योर इनर पीस एंड दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. आई मीन आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस लोकेशन और द ब्यूटी ऑफ इट इन वर्ड्स. फॉर दैट यू श्योरली हैव टू विजिट दिस. यहाँ तक आने का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बट एज वी ऑल नो जब तक आप कुछ तकलीफ़ें सहन नहीं करोगे तब तक आपको उसका फल मीठा नहीं मिलेगा. तो थोड़ी सी खराब रास्ते के बाद में ये जो शांति है, ये जो सौंदर्यता है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगी. दिस इज़ जस्ट टू गुड. ओके सो गाइज, आई एम लिविंग राइट नाउ फ्रॉम केड़वा डैम. लेट्स सी आगे अभी कहाँ पे जाते हैं. एंड जैसे आगे पहुँचेंगे आई विल लेट यू नो. सो लेट्स गो. Wait, 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 wait. Don't go. It's not the end of Saphale ride. It's just the end of part 1. अभी तक तो बहुत कुछ देखना बाकी है बॉस. पार्ट टू में बहुत कुछ आएगा. डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट इन अ पार्ट टू ऑल्सो. सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड. नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको फटाफट जाके हिट कर दो. उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो. सो जब पार्ट टू आएगा तब तुम्हारे मोबाइल पर ऐसा मस्त वाला नोटिफिकेशन आएगा. सो यू कैन गो एंड चेक दैट पार्ट टू ऑल्सो. तब तक के लिए ना सब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ फटाफट इसको शेयर कर दो क्योंकि वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 200 पीपल. थैंक यू सो मच गाइज. लेकिन जब तक मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा तब तक अपने को 500 का फैमिली करना है. सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम.